गुड मॉर्निंग, मैं हूं परवेज आलम इंडियन कोचिंग सेंटर से। आज हम लोग 10वीं क्लास के सांख्यिकी चैप्टर यानी 14.1 का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि पहले जो है हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तक कर लिए हैं और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। उन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जैसे यहाँ पे दे दिया है आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56, ऐसे दे दिया है। पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 125। ये जो है एनसीईआरटी का बुक का है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले इसमें जो है आमों की जो संख्या है 50 से 52, और 52 ना दे करके 53 से दिया है। ये जो है के बाद 53, ये जो है सतत नहीं है, तो इसको हम लोग सतत बनाएंगे। तो जो है इसको यानी सीक्वेंस में करेंगे तो तब हमारा बराबरता निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, सतत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च सीमा में क्या करेंगे, 0.5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उच्च सीमा इसमें क्या है, 50 और 52 में बड़ा क्या है, 52। तो 52 में हम लोग 0.5 जोड़ दिए तो आ गया 52.5। और उसी तरह निम्न सीमा में क्या करेंगे, माइनस उतना ही जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे। तो निम्न सीमा है हमारा 50, यानी कम वाला 50 है, तो 50 में माइनस 0.5 कर दिए तो आ गया 49.5। तो इस तरह से हम लोग सब में 53 में भी 55 में भी इसी तरह हम लोग करेंगे और उसका सारणी बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग किए तो कितना आया, ऊंचे सीमा 52 और 49, तो इसको हम लिख लेंगे 49.5 से 52.5। इसी तरह से अगला भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 52.5 से 55.5। फिर उसी तरह से हम लोग 55.5 से अब हम लोग करेंगे तो आएगा 58.5। फिर उसके बाद हम लोग 58.5 में 58.5 से आएगा 61.5। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग 61.5 से हो जाएगा हमारा 64.5। ये हमारा पूरा फाइनल हो गया। उसके बाद जो है हम लोग पेटियों की संख्या लिख लेते हैं। तो पेटियों की संख्या दिया हुआ है, पहले में 15, दूसरा में 110, तीसरा में 135, चौथा में 115 और पाँचवा में 225। अब इसको जो है हम लोग फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई से, और इसको बराबरता हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं एफ आई से। अब यहाँ पे एक्स आई कर दिए तो इसका जो है एक्स आई निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ये जो है फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, एक्स आई निकालने के लिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा इसमें कितना है, 52.5, और निम्न सीमा इसमें है 49.5। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं और इसको निकालते हैं। तो एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई बराबर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखते हैं, 52 माने उच्च सीमा है 52.5 प्लस 49.5 बट्टा 2। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ के जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 51। इसी 51 को हम लोग यहाँ लिखेंगे 51। 51 के बाद हम लोग फिर इसको जोड़ेंगे 52.5 और 55.5, और उसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा आएगा 54। इसी अब देखिए 51 और 3 54, तो इसी तरह 3 से बढ़ते जाएंगे, 3 57,
तीन चौवन और तीन संतावन, संतावन और तीन होगा साठ, और साठ और तीन तिरसठ। अब इसको जो है हम लोग इसमें ए मान लेते हैं, तो ए वही मानते हैं जो हमारा बीच में हो, काल्पित माध्य। यहाँ पे जो है ए वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, तो इस ये जो है दो ऊपर है और दो नीचे हैं, तो बीच में ए है, तो ए इसको मान लेते हैं, ए बराबर संतावन। अब यू आई निकालते हैं, तो यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो इसका जो है यहाँ पे एक्स आई यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें से घटाएंगे और ये लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिक याद कर रखना है कि संतावन में से संतावन जाएगा तो हमारा कितना होगा जीरो, और एक ऊपर जाएंगे तो माइनस वन लिखिए, और उसके ऊपर जितना जाते जाइए उतना लिखिए, दो स्टेप गए तो दो लिखें, फिर नीचे वन प्लस में और प्लस में टू। उसके बाद आप हम लोग को निकालना होता है एफ आई इंटू यू आई, यानी एफ आई गुणे यू आई। तो यू आई ये निकल गया और एफ आई यहाँ पे है, तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको एक पंद्रह में तीन दो से गुणा करेंगे तो माइनस तीस, और फिर माइनस एक सौ दस, जीरो में कितना हो से गुणा करेंगे जीरो, फिर एक सौ पंद्रह में एक से गुणा करेंगे एक सौ पंद्रह, फिर पच्चीस में दो से गुणा करेंगे पचास, आ जाएगा हमारा पचास। और उसके बाद हम लोग को इसको टोटल निकालना होता है, क्योंकि आगे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, तो इसका टोटल निकालते हैं। तो एफ आई सिग्मा जो है ये सम सिग्मा जो है जोड़ का योग, सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो एफ आई बराबर टोटल, तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 400। इसका टोटल जब हम लोग जोड़ के फाइनल करेंगे तो हमारा आएगा 400। अब इसके बाद हम लोग एफ आई को और यू आई को जोड़ते हैं, तो एफ आई इंटू यू आई बराबर, इसको हम लोग क्योंकि कुछ माइनस दो माइनस में और दो प्लस में है, तो इसको जब हम लोग पूरा जोड़ के और घटाएंगे तो आएगा हमारा 25। अब 25 आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जिस विधि से हम लोग बना रहे हैं उस विधि का नाम लिखेंगे। तो जैसे कि कुछ इसमें दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे में ए बराबर हमारा आ गया है संतावन, और एच का इसमें वर्ग अंतराल तीन का चल रहा है, यहाँ पे देखिए उनचास और तीन बावन, तो इसमें एच बराबर यानी वर्ग अंतराल बराबर हम लोग लिख लेंगे तीन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं, पग विचलन विधि से हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को इसका फॉर्मूला यानी माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई कोष्ट बन गुणे एच। अब ए बराबर हम लोग क्या माने हैं, ए बराबर है हमारा देखिए यहाँ पे संतावन प्लस कितना है आपका यू आई एफ आई 25, और एफ आई यहाँ पे देखिए यू आई इंटू एफ आई है 25, और एफ आई देखिए यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख दिए। उसके बाद जाइए यहाँ पे यू आई बराबर 400, और उसके बाद 400 के बाद हम लोग गुणा में लिखे हैं तीन, तो तीन इसको जब हम टोटली जोड़ करके फाइनल करेंगे और इसको कट करेंगे इससे, तो हमारा आएगा संतावन प्लस 0.1875। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 19, यहाँ पे जो दिया है इसको हम लोग जो यहाँ पे दिया है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.19। तो जब हम इसको 19 लिखेंगे तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 57 प्लस 0.19 बराबर हो गया 57.19, यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं
अतः 0.19 यही हमारा आंसर है। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनलों को, और दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इसे पढ़ सकें। धन्यवाद।